नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दृष्टि की आर्ट बुकलेट का फिर से रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि मैंने इनके चैप्टर का रिव्यू नहीं किया और इनकी प्राइस बहुत हाई है सर, तो कैसे बाय करें, कौन सी वेबसाइट से बाय करें और इसकी क्या कीमत है क्या नहीं, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले ये प्री और मेंस दोनों कवर करता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट नोट, इसमें आयोग नहीं है तो आयोग की आप एक्स्ट्रा बुक लेट आप मंगा सकते हैं। ये तो रहा एक छोटा नोट। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास, भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति। इतिहास में जब हम देखते हैं तो ये हमारी पेपर वन और यूनिट वन टू लेके फाइव तक यूनिट आ जाती है, तो इसमें चार भाग में ये दिया हुआ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला संस्कृति। ये देख लीजिए आप, इंडेक्स भी आप पूरी तरीके से देख लीजिए, इंडेक्स भी सही दिया हो। प्राचीन भारत कलर में ये आएगी और प्रिंट क्वालिटी आप ओरिजिनल है, प्रिंट क्वालिटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है जहां से आप बहुत ही कम दामों में, कम रेट में 3300 रुपए में ये अवेलेबल करवा रहे हैं। पहले ये 4500 रुपए में थी, फिर स्टूडेंट ने कहा सर और कम रेट चाहिए हमको, तो हमने इसको मात्र 3300 रुपए में आप तक अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। अगर अभी बाय करना चाहते हैं तो अभी बाय कर लीजिए, हम नहीं चाहते कि आप ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाए और आप उसका फायदा नहीं ले सके। एक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है, कूपन कोड को आप नीचे वेबसाइट में आप यूज करें, उस कूपन कोड से आपको 300 से 400 रुपए का ऑफ मिलेगा और पेमेंट कर आप ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्ट नीचे जो नंबर दिए हुए हैं वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम पहले इसके रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से देखा है, जैसे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत में बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, छठी शताब्दी, ईसा पूर्व का काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्यता काल, संगम काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत। अगर हम इसकी थोड़ी सी मतलब डिटेल में देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में क्या क्या बताए, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड सोर्सेस सारी चीजें ये देखिए एकदम सही तरीके से, डायग्राम जहां बन सकते थे वहां डायग्राम बनाया है, जहां कॉलम बन सकते थे वहां कॉलम बनाया है। इसमें हाईलाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ओरिजिनल नोट में इसकी जो जीरोक्स आती है वो थोड़ी सी A4 साइज में आ जाती है और स्पाइरल बाइंडिंग में आती है, तो आप वो भी परचेस करने कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सेम रेट में वो भी सेम रेट में आएगी, ये 3300-3500 की है तो वो 3000 के समथिंग आएगी, क्योंकि पेज की जो काउंट मतलब इनके जितने पेज है वो लगभग 5000 पेज के समथिंग है, 4 से 5000 पेज के समथिंग है। तो आप अगर देखोगे तो ये है आकार निर्माण सेम साइज में पड़ती है, बस इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर आर्ट बुकलेट में कन्वर्ट किया है, ये बात ध्यान रखेगा। फॉन्ट का साइज एक नॉर्मल फॉन्ट का साइज रखा है जो पढ़ने में आसान हो, और जहां जहां इम्पोर्टेंट चीजें है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये पेरा इम्पोर्टेंट है, उसको ब्लैक इंक से नोटिफाई किया है। और यहाँ पे जो MPPSC 2017 तक, 18 तक, 2019 तक के सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे, मैंने 2019 तक देखा। आप बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो मतलब लोगों को फ्रॉड बनाने के चक्कर में इसका एडिशन ही गायब कर रहे हैं कि एडिशन कब का है, तो हम इसका एडिशन जो है मार्च 2021 का लास्ट एडिशन है इसका, संस्करण है, तो इसका संस्मरण जो है ना लास्ट मार्च 2021 में ही हुआ था। आप दूसरी वीडियो देख के अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दृष्टि ने दूसरा कोई अपडेट करा है, तो अभी तक दृष्टि ने ये लास्ट अपडेट है उसका मार्च 2021 का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब हम दूसरे हमारी यूनिट की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश भारत एवं विश्व का भूगोल तथा पर्यावरण प्रस्तुति, ठीक है। पहला जो इसको चार भाग में बांटा है, पहला मध्य प्रदेश का राज, दूसरा भूगोल का, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है।
चौथा पार्ट है पर्यावरण एवं प्रस्तुति। सारे को जैसे अब मध्य प्रदेश में इंफॉर्मेशन दी है कि राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का अन्य नाम क्या है, जैसे मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, दो तीन नाम से नोटिफाई किया। अभी कितनी विधानसभा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा एक छोटी सी महिला पुरुष जनसंख्या, सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। मध्य प्रदेश में प्रथम सारी चीजें 1 से 2 पेज में कवर कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में कितने संभाग है और कौन कौन से संभाग में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है और कितने जिले आते हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई सा भी संभाग है उसका जो जिला है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे हमारा भोपाल एक संभाग है, उसमें जिले कौन से है, जैसे सीहोर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये जिले हैं। इसमें जैसे नदियां आष्टा तहसील से पार्वती नदी, कोलार नदी का उद्गम और कोलार जलाशय परियोजना, ये चीजें मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज है जो संभाग में, और एक संभाग में उस जिले में सारी डिटेल दी हुई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिल सकती है पूरा एकदम कंप्लीट। इंदौर में कितने संभाग सारी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एकदम सही। अब मैं बता रहा हूँ, वीडियो लंबी बने तो फिर मुझे मत कहना, पूरे डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस बार। अगर वीडियो लंबी बनती है तो उसके लिए मैं सॉरी, बहुत माफी चाहता हूँ, बट क्या करूँ, लंबी नहीं बनाऊंगा तो आप फिर मुझे बोलोगे कि सर मुझे तो इंडेक्स तो पता था, मुझे चैप्टर का रिव्यू चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो मैं आपके लिए ही इतना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारी तीसरी बुकलेट, मध्य प्रदेश व भारत की राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन प्रबंधन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 यूनिट दी है, अपने 3 पार्ट में दिया है। पहले में मध्य प्रदेश भारत व भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट के नाम पे प्रमुख शासन प्रणालियां दी हुई है और प्रमुख विशेषताएं, साब लाभ, समस्याएं, ठीक है। प्रणाली और सारी चीजों के बारे में डिटेल दिया है, स्मरणीय तथ्य के बारे में। एक मुझे दृष्टि की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि पूरा टॉपिक जो भी लिखना था कंप्लीट कर दिया। इसमें संस्मरणीय तथ्य हम दिए हुए रहते हैं जो पिछले साल या उससे पहले कभी पूछे गए हो या इम्पोर्टेंट हो, जो इस चैप्टर में नहीं लिख पाए तो उसको नोट्स के रूप में जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए वो इसमें दी हुई है, मतलब दृष्टि वाले नोट्स में मैंने देखा है। 2018-2019 का नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने 2-3 चैप्टर देख लिए, एक बार और देख लेता हूँ कोई सा चैप्टर, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने 2019 देखा था एक दो बुक में, ठीक है, इसमें भी 2018 तक ही, ठीक है, तो शायद 2018 तक के ही क्वेश्चन दिए हुए, बट बुक अपडेटेड है, ऐसा नहीं समझ सकते कि बुक अपडेट नहीं है, ये बुक लेटेस्ट है और इससे ज्यादा अपडेट अभी तक दृष्टि ने करा ही नहीं। तो इन बुक को ऑर्डर करना, मतलब एमपीपीएससी में प्री और मेंस दोनों 3500 रुपए में कंप्लीट होना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये बुक बहुत हेल्प करेगी। मध्य प्रदेश व भारत की भारत व विश्व की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा दी हुई है और 288 पेज की भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 102 पेज की और 38 पेज की अपनी विश्व की अर्थव्यवस्था, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है, विश्व की भारत की इम्पोर्टेंट है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी आंकड़े दिए हुए हैं ये 2019 और 2020, 2020 और 2021, तो 2021 का दिया हुआ तो आप समझ सकते हैं 2021 तक अपडेट है, और अब जब अपडेट हो आएगी तो वो 2022 की, मतलब 23 में अपडेट आएगा इसका, तो अब नेक्स्ट अपडेट तब आएगा और सारी डिटेल इसी में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारी 5वीं बुकलेट, सामान्य विज्ञान, विज्ञान में आपको जो भी पढ़ना है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें
दी हुई है, ठीक है, एकदम कंप्लीट है, ठीक है, ये होगा, ये हमारी सिक्स्थ वाली समाज शास्त्र, शिक्षण प्रणाली, मानव संसाधन विकास, सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे व कल्याणकारी कार्यक्रम, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञानिक एवं नैतिकता, खेलकूद, ये हमारी छठी बुकलेट, ये हमारी सातवीं बुकलेट रही, हिंदी और निबंध हमारा पूरा पांचवा छठवा पेपर, ये हमारा सी सेट, मतलब एक तो सी सेट हटा दो, पढ़ना नहीं, मेंस में तैयारी करना, तो ये है सात बुकलेट, मेंस और प्री की भी तैयारी करना है तो ये आठ बुकलेट। तो ये था आज की वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा थोड़ी पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, नए नए नोट्स के बारे में बताते रहेंगे, और बहुत सारी बुकलेट के रिव्यू आने वाले हैं, बुक्स के रिव्यू आने वाले हैं, जैसे पटवारी से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है जो आप आगे चल के देखेंगे। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।